धर्मेंद्र जी, पहला सवाल तो मेरा ये कि आपने ये कहा कि योगी सरकार के काम बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छा काम नहीं किया जी। अब अगर अच्छा काम नहीं किया धर्मेंद्र जी, तो फिर 2019 में अखिलेश जी अच्छा काम क्यों नहीं दिखा पाए लोकसभा चुनाव में? देखिए, एक चीज की बीजेपी को महारत है, झूठ बोलने में महान है, और इतना झूठ बोलते हैं 2014 के बाद ही आज 21 में पूछ ही रही है। मैंने शुरुआत में ही कहा था 15 लाख आएंगे, जरा पूछिए देश के कितने नौजवानों के खाते में 15 लाख। कहां पर कहा था ये? कहां लिखा हुआ है? कहां पर कहा था ये भी मैं जानना चाहूंगा। आप ही ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को, ये भी नहीं कहा था? नहीं, ये भी नहीं कहा था। पंकज जी, क्या आपकी पार्टी ने ये नहीं कहा था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे? नहीं, सरकार नौकरी दे रही है। और मैं इतना पूछना चाहता हूं, कितना थी? मैं आज 7 साल हो गए दिल्ली की केंद्र की सरकार, मैं ये 4.5 वर्ष आप ही का घोषणा पत्र है, आप ही का घोषणा पत्र है 2017 का विधानसभा का, जिसमें आपने कहा कि हम 5 साल में 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या दिया? आपने कहा था किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। मैं कह रहा हूं दूनी छोड़िए, जितनी थी उसकी भी 1/4 आमदनी हो गई है। तो ये चीजें आप 2019 में साबित क्यों नहीं कर पाए लोकसभा में? क्यों आप उस तरीके का? मैंने कहा कि झूठ झूठ फैलाने में बीजेपी माहिर है, लेकिन जनता परेशानियों को झेल झेल के परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है जनता। और 22 में जो त्रस्त हुई है जनता, अपना जनता जवाब भी देगी आने वाले 22 के समय में। देखिए, मैं एक बात तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि 14 देख लिया, 17 देख लिया, 19 भी देख लिया, अब जनता जानती है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके बाद अपना निर्णय अब दे रही है। और उसका निर्णय लगातार, और फिर मैं इसी विश्वास से मैं कहता हूं कि अगर इसी तरीके से बड़े बड़े दावे होते रहेंगे, खोखले दावे और वादे होते रहेंगे। कांट की आड़ी चढ़ चुकी है आपकी, बार बार नहीं चढ़ती कांट की आड़ी। देखिए, मैं इस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा हूं। में जनता आपको हराने के लिए तैयार बैठी है, और 2014 से अब तक जितने राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी लगातार चुनाव हारी है। धर्मवीर जी, कोई एक आदमी ये बताइए कि इनको अब ये बहुजन अब ये बहुजन समाज पार्टी कहां पर चुनाव जीती है पहले ये बता दीजिए, बाकी मैं तो बता दूंगा। आप बंगाल में हारे हैं, आप राजस्थान में हारे हैं, धर्मवीर जी आप जो है कर्नाटक में हारे हैं, आप ज्यादातर राज्यों में चुनाव हारे हैं। अरे, हमारी हार का चुनाव आप जीते हैं, हमारी हार की गिनती छोड़िए, अपनी जीत पहले बताइए। 77% जो है, और एक बात, वो योगी आदित्यनाथ की बरादरी के सिपाही। अच्छा धर्मवीर जी, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ धर्मवीर जी आपसे एक सवाल पूछिए। आपको सारी चिंता बीजेपी की है, बीएसपी की भी थोड़ी चिंता करेंगे? 2019 तक 4 चुनाव समाज पार्टी, 2017 में आपके सिर्फ 19 विधायक आए। सुन लीजिए धर्मवीर जी, सवाल सुनिए, आपके पास सिर्फ 2012 से 19 तक 4 चुनाव हुए, उसमें 17 में आपके साथ पास सिर्फ 19 विधायक आए, उनमें से भी आप आधे से ज्यादा लोगों को बचा नहीं पाए, अब आप कैसे 2022 की टक्कर देंगे? मैं बता देता हूं आपको, 2017 में हमें 1,92,00,000 वोट मिले, सीट जो 2012 से मात्र 4 लाख कम थे, और हमारे 100 कैंडिडेट 200, 300, 400, 500 वोटों से हारे। लोगों को यह बहका सकते हैं 15 लाख रुपए का झांसा देकर के, 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर के, किसानों की आय को दुगुना करने का झांसा देकर के, लेकिन यह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ताकत थी, जो 125 रुपए गन्ने का मूल्य से 250 रुपए गन्ने का काम किया, आमदनी को डबल करने का काम किया। जी, अब आप इनसे पूछिए कि इन्होंने 5 रुपए प्रति वर्ष बढ़ाया है, तो क्या किसानों पर यह एहसान किया इन्होंने? पंकज जी, मेरा सवाल अब आपसे ये कि आप योगी आदित्यनाथ को अगर इतना मजबूत मानते हैं और आप कहते हैं कि 2022 में वो जीतेंगे, तो फिर आपको जातियों को साधने वाला कैबिनेट एक्सपेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमेशा मैं हमेशा देखिए, इसको इस तरीके से नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। इसको समाज में अगर कोई भी वर्ग अगर छूटा हुआ है, तो उनको भी आगे बढ़ने का अगर मौका दिया जाता है, तो यह तो मुझे लगता है कि किसी भी जिम्मेदार संगठन की या किसी भी राजनीतिक दल की वो जिम्मेदारी होती है, और उस समाज में भी वो विश्वास जाए कि आप भी, आपका भी महत्व है, और आपको भी बढ़ने का बराबर का मौका, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, वह सरकार ने काम किया है। और जहाँ तक रही बात 2022 में जीतने की बात, तो देखिए 22 में जीतने के लिए अब जैसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं लोग, बहुत सारी बातें लोग कर सकते हैं, लेकिन आज हर जगहों पर, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो रहा है, 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है, महिलाओं के लिए यहाँ पर उनकी सुरक्षा झूठ ना भरोसे आप, अभी तो आपके मेडिकल कॉलेजों की नींव तक नहीं रखी गई है। पंकज जी, हम दूर नहीं जाते, 4.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दी। धर्मवीर जी, आप शांत रहिए, आ चुके हैं, आप शांत रहिए। 14 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार कर दिया आपने।
ऐसा है पंकज जी, एक चीज आपने आपने जब मेडिकल कॉलेज की बात की, एक बात आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, एक बात मैं, एक बात आपने सुनी मेडिकल कॉलेज की बात, एक बात मैं कह दूं, एक बात मैं कह दूं, इतना क्योंकि इस तरीके से बात होगी तो बहुत लंबी हो नहीं पाएगी, इसीलिए मैं अपनी बात में एक समाप्त कर दूं कह के कि जो जहां तक रही बात ये जो आप लोग कह रहे हैं, ये सब लोग अपने अपने सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो ये सब अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत शोर मचाने से और बड़े बड़े खोखले वादे करने से कुछ होता नहीं जी, है मेरा सवाल इरादे ने खोने चाहिए और वादे भी पुख्ता होने चाहिए, बस इतना मैं कह सकता हूं। धर्मेंद्र जी आपसे इसी से आपके पास आऊंगा मैं, आपसे तो सवाल पूछता हूं उसका जवाब नहीं देते हैं, नहीं हो जाएगा धर्मवीर जी, जो सवाल पूछता हूँ उसका जवाब तो आप देते नहीं, बताइए बताइए पहले धर्मेंद्र जी से सवाल, आपके सवाल नहीं 22 करोड़ जनता के सवालों के जवाब देने के लिए भी बैठा हुआ हूं। अच्छा चलिए ठीक है, जिम्मेदारी के साथ में ठीक है, पहले धर्मेंद्र जी से पूछ लेता हूँ। धर्मेंद्र जी मेरा सवाल ये है कि आपके पास में कई मुद्दे हैं इस बार सरकार के खिलाफ, आपके पास कोरोना है, आपके पास महंगाई है, आपके पास किसानों के मुद्दे हैं, आपके पास अखिलेश यादव है, इसके बावजूद छोटे छोटे जो सहयोगी हैं उनसे गठबंधन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? नहीं, सवाल ज़रूरत का नहीं है पंकज जी, अभी बड़ी साफगोई से कह रहे थे जो लोग उपेक्षित हैं उनको हमने कैबिनेट में दिया है मौका। पंकज जी बहुत पुराने राजनीतिक परिवार से हैं और मैंने भी राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, जिस मिनिस्टर के पास किसी भी योजना पे साइन करने के एक भी दस्तखत करने के लिए फाइल ना आए, 5 साल का बजट और उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री बजट भी पास होके खर्च भी हो जाए, उसके बाद आखिरी 3 महीने के लिए झुंझुना पकड़ाने का जो प्रयास है ये पूरी तरह से उन समाज के लोगों का अपमान है, अन्याय है और उनको इस लायक समझा जा रहा है कि आप बिना फाइल के मंत्री रहोगे। लेकिन जो माननीय अखिलेश जी का प्रयास है बहुत जिम्मेदारी का प्रयास है और जिम्मेदारी के साथ मुझे पता है जिन लोगों के नाम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई गई उन लोगों को कुर्सी भी नहीं मिल रही है और स्टूल मिल रहा है। नहीं लेकिन आप शास्त्री भवन से निकाल के बाहर कर दिए गए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को जब मौका मिलेगा तो जहां माननीय अखिलेश जी की शपथ होगी उसी शपथ के दिन समाज के हर दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों के साथ न केवल शपथ होगी बल्कि पूर्ण अधिकार प्राप्त लोग मंत्री होंगे। जहां माननीय अखिलेश जी का सोफा पड़ा होगा उसके बगल में उन वर्ग के लोगों का पड़ा होगा, बगल में स्टूल नहीं पड़ा होगा। पर आपने ये जवाब नहीं दिया कि आपको जाति जाति जनगणना के मुद्दे पर, मुझे याद है 2010-11 की बात है, पूरा का पूरा सदन उस समय बीजेपी के लोगों ने भी कांग्रेस से मांग की थी। और आज मैं पूछना चाहता हूँ पंकज जी और भारतीय जनता पार्टी से, पिछले 7 सालों से इनकी सरकार है, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है जाति जनगणना पर, आज तक जाति जनगणना सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।